फला सब्सक्राइब टू तो सिद्धार्थ कन यूट्यूब चैनल नाउ। जीशान, जिन्होंने आपके साथ वो इंसिडेंट किया था उसके बाद आप हिल गई थी और क्या आपने उनको फगीव किया है कि नहीं Um, उसके बाद मैं हिल गई थी ऑब्वियसली मेरा लॉकअप का सबसे वर्स्ट डे था वो जब मेरे साथ बैक टू बैक पांच बार हिंसा हुई थी उसके बाद मैं चार पांच दिन हिल गई थी बाद में मैं जल्दी चीज़ों से रिकवर करके मैं वापस से अपना मस्ती करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं जो भी हुआ है सब भूल जाओ अपना मस्ती करती रहो तो मैं उसको नहीं फर्गीव किया आई डोंट थिंक जिसके साथ हुआ होगा भी किस मतलब बहुत सारी लड़कियों के साथ फिज़िकल वायलेंस हुआ है वो कभी उनको फर्गीव नहीं कर सकती जिसने किया है। आपको बोला गया है, कुछ लोग जो मेरे शो पे आए हैं उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो है आजमा जो है खुद एक ट्रोलिंग मशीन है। खुद एक है। है। माने ये क्या ये स्टेटमेंट सही है तुम्हारे हिसाब से ऑब्वियसली सही है क्योंकि जो मुझे ट्रोल करता है मैं उसको रिटर्न में उसके उसके हिसाब से उसको जवाब देती हूँ ताकि उसको टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मिले तो यानी कि ये बिल्कुल सही है हाँ बिल्कुल सही है जो मेरे साथ बदतमीजी करे उसको फिर मस्त जवाब मिलता है। आप किसी से डरती नहीं है किसी से भी नहीं डरती मैं पक्का पक्का इतनी छोटी उम्र में ये इतना निडर बनना कहाँ से आया इंस्टेंसेस हुए लाइफ में मैं बहुत ज्यादा लाइक like, uh, जैसे कंगना मैम ने भी एक बार बोला था कि आजमा यू जस्ट लाइक मी यू हैव नो फिल्टर तो मैं जैसे ग्रोअप हुई हूँ और जिस माहौल में ग्रोअप हुई हुई मेरे फैमिली मेरे मॉम डैड वो लोग ऐसे ही है मेरी तरह बिंदास किसी से डरते नहीं कुछ नहीं बिंदास हम लोग आपस में भी बात करते तो बोलते ऑब्वियसली मोम डैड की इज्जत करते उनके सामने तो मैं बोल भी नहीं सकती मेरी मम्मी बड़ी डेंजर है उनके सामने तो कुछ नहीं बोल सकती लेकिन जब मैं फैमिली के साथ भी आपस में रहती हूँ

ये दुआ करती हूँ कि आपके हाथ हमेशा ऐसे हो कभी ऐसे ना हो तो जब आप किसी से मांग मांग कर कमाते हो तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली जब मुझे लॉकअप मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो अभी मुझे छुट्टी मिल गई मेरे काम से और अभी मैं लॉकअप में जाके मेहनत करके कमाऊँगी प्रॉपरली और जिस ऐप पे मैं बैठती भी थी कमाने के लिए तो उस ऐप पर भी जब मैंने चालीस पचास लाख जितने भी मैंने कमाए वो मैंने अपनी मेहनत से कमाए क्योंकि मैं बारह बारह तेरा तेरह घंटे कभी कभी ऐसा होता था कि में बैठी रहती थी खाना भी खा रही हूँ तो मैं लाइव ही बैठी होती थी और लाइव में बस बोलती थी गाइस प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो थोड़ा सपोर्ट कर दो प्लीज और ये चालीस पचास रुपए है तो यानी आपने लूटा नहीं किसी को नहीं मैंने मेहनत किया है मैंने मेहनत करके मांगा ये वो ऐप है जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं लाइव होता है लोग पैसे देते रहते हैं राइट यस और कितने घंटे आपको बैठना पड़ा दिन में और कितने हफ्ते या महीने के लिए जहाँ पे आपको 40-50 लाख रुपए कमाने का मौका मिला ऑलमोस्ट hmm, मैं तो दो साल से यही कर रही थी wow. क्या आपको लगता है कि शाइशा शिंदे और आ, प्रिंस ने मुंजली के बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की थी hmm, नहीं बिल्कुल भी नहीं वो इनफैक्ट साइशा का खुद बॉन्ड थोड़ा ब्रेक हो चुका था एंड एंड पे जितने भी उसके hmm. फ्रेंड्स थे सबके बॉन्ड टूट रहे थे hmm. तो साइशा अपनी ही बैटल लड़ रही थी वो कहा किसी का बॉन्ड ब्रेक करेगी आपके कुछ है जिन्होंने क्या आजमा निखिल पलक जय मैं उनके साथ टच में हूँ hmm. और, और क्या, आप अच्छे दोस्त है हाँ हम लोग अच्छे दोस्त हैं निखिल पलक

मैं एक्चुअली बहुत सारे रियलिटी शोज करना चाहूंगी लेट्स सी यानी ये बिग बॉस ओटीटी का ऑफर आ जाए तो आप तो उठा लेंगी। उठा लूंगी। इसका भरोसा नहीं है क्योंकि हमारे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना या ऑफ़ कोर्स। अब लॉकअप के बाद हमारे नखरे बढ़ चुके हैं <laughs> तो अभी उनको हमारे नखरे उठाने पड़ेंगे फिर सोचेंगे <laughs> क्या बहुत नखरा करती है नहीं अभी मैंने सोच लिया है कि मैं लॉकअप के बाद जब मुझे पता चला कि ये ऐसा ये वैसा बाद में मैं शौक हो गई लोगों के कॉन्ट्रैक्ट मैंने देखे बोला अरे रे अरे रे अरे रे अभी मैं भी आसमा आसमा छूने वाली अभी मैं भी जा रही हूँ और, और प्लस मेरा जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा सा रियलिटी शोज को बहुत सूट करता है और मैं रियलिटी शोज के लिए ही बनी हूँ तो

लॉकअप में दो लोग जिसे आप कहती है मुझे जिंदगी भर इनसे नहीं मिलना है वो कौन है आई थिंक um, गलती से सामने आ जाते हैं बट आई थिंक अभी मुझे दो लोग से जिनसे नहीं मिलना वो होंगे अंजलि और जीशान hmm. hmm. जिंदगी में उनको कभी नहीं फॉरगिव करने वाली हैं आप जिंदगी छोटी है हाँ जिंदगी पर मैं उनको फॉरगिव करूं या ना करूं मैं उस बारे में सोचती नहीं कि मैं इनको फॉरगिव करूं या नहीं ये थॉट भी मेरे माइंड में नहीं आता है उनके लिए क्योंकि मैं उनके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करती और मुनववर के अलावा एक दोस्त जो आपने बनाया और बोला ओ ये मेरा फ्रेंड बन चुका है जिंदगी भर क्लेओ कौन है शिवम जो आपका फ्यूचर बॉयफ्रेंड भी हो सकता है नहीं ऐसा नहीं है लाइफ में वो कौन सा मोमेंट है रियलिटी शो हो या रियल लाइफ में हो जहाँ पे अब वाकई में टूट गई थी हमेशा लाइफ में आदमी स्ट्रॉन्ग और ब्रेव नहीं हो सकता है हाँ। वो कौन सा मोमेंट था तो मैंने मेरे जब सीक्रेट रिवील किया था कौन सा लॉकअप में एक सीक्रेट रिवील किया ये मैंने ये ऐप वाला ऐप हाँ, वाला हाँ उसमें मैंने बताया भी था कि मैं जब आ, मांगती थी लोगों से मैं मेरी आंटी के लिए भी मांगती थी जिनको कैंसर था तो उनके ऊपर मैं भी बहुत पैसे खर्च करती थी उनको खेमोथेरापी बहुत एक्सपेंसिव होते थे क्योंकि वो लास्ट स्टेज कैंसर पे थे और उनको दो दो टाइप के कैंसर हो चुके थे एंड देन उनके ऑपरेशन भी होते थे मैं उनमें बहुत हेल्प करती थी और फिर मैं सोचती थी कि मैं इतना हेल्प कर रही मैं इतना कुछ कर रहे हैं वो भी मेरे खाला भी बहुत उन्होंने भी उनका सारा पैसा लगा दिया ट्रीटमेंट में हम लोग ने भी सब ने हेल्प की हम सोचते थे इनके ऊपर इतना पैसा लगा रहे लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा है बस हालत खराब 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 और उनकी डेथ हो गई वो मेरे लाइफ का सबसे वो मतलब मैं सोचती थी कि अब मैं क्या करूँ कि वो ठीक हो जाए अब हम क्या करें कि वो ठीक हो जाए डॉक्टर बोलता था ये करो ये थोड़ा ये इतना इसमें ये एक्सपेंसिव है तुम ये करो वो करो ये करो एकदम ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले केमोथेरेपीज हुए उनके खेमोथेरेपीज के बारे में बाद में वो आईसीयू में चली जाती थी बिल्कुल वो एक मिरर वाला वो कुछ होता था

द फैक्ट दैट आप लॉकअप के बाद और बहुत बड़ी पॉपुलर फेस बन चुकी है hmm. यही कहता है कि लाइफ में आपने जितने भी स्ट्रगल्स देखे आप अड़ी रही हैं और आपने आ, ये नहीं कहा कि अरे मैं जा रही हूं मैं छोड़ रही दैट शोज कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग है यंग एज ऑफ ट्वेंटी थ्री और मैं दिल से बोल रहा हूँ ठीक है uh, एक चीज के लिए बिसाइड्स दिस ऐप जो आपको जज किया गया था

इसका थोड़ा ऐसा लगा ये ऐसा ये वैसा है मैं बिंदास बोल दूंगी और अगर अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा है बोलूंगी फिर बाद में लोग जो भी जैसे भी जैसे वे में जज करें मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मैं ना देखती हूँ ना पढ़ती हूँ मुझे बोलते भी आके तेरे में ऐसे वो लोग ऐसा बोल रहे थे, वैसे बोल रहे रहे थे थे गाली पड़ रही थी ये हो रहा था बो रहा था मैं बोलती हूँ यार अच्छी बातें देने दो तो मुझे क्या करना है कंगना ने कहा कि आजमा जो है बहुत ही अनफिल्टर्ड है क्या ये आपको वंडरेबल भी बना देता है यानी कि आपकी कमजोरियां लोगों के सामने रख देती है ऑबियसली कमज़ोर बनाता है क्योंकि आपका अनफिल्टर्ड होना सबको पसंद नहीं आता कुछ कुछ लोगों को आई I मीन mean, सभी लोगों को वो पसंद है जो उनके हाँ में हाँ मिलाए स्वीट बने एकदम स्वीट फेकनेस करें लेकिन अनफिल्टर्ड होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सामने वाले को बुरा लग सकता है और फिर रिटर्न में भी आपको फिर अनफिल्टर्ड जवाब ही आएंगे तो इससे ही सामने वाले की रियलिटी पता चलती है क्योंकि कोई आपके साथ स्वीट बनेगा आप उसके साथ स्वीट बनोगे बहुत फेक लगता है कोई एक मतलब बिंदास मुंह पे बोल दे कि भाई ये मुझे पसंद नहीं आया तो आगे से भी आपको पता चलता है तो मैम मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा अनफिल्टर्ड होना किसी को पसंद है या नहीं लव मी और हेट मी बट यू इग्नोर मी ओहो शिवम ने करणवीर बोरा को अपना बड़ा भाई बनाया हुआ है उस पर क्या कहना है वो दोनों की जोड़ी ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराने एक, एक दूसरे को बहुत हैं अच्छा साथ में ऐसे रहते हो तो उनका बॉन्ड सच में लाइक like, लॉकअप के बाद अगर सच में कोई एक बहुत अच्छा और लवली बॉन्ड बना है तो शिवम और बाबा का है आपने ये कहा था इसी कॉन्वर्जेशन में आपने ये कहा था यार कि मैं अब रिलेशनशिप वाला दरवाजा बंद कर रही हूं hmm. क्योंकि जिसको मैं पसंद करती हूं वो मुझे नहीं पसंद करता hmm. और वाइसी वर्सा ठीक है लास्ट टाइम आप रिलेशनशिप में कब थी मैं लास्ट टाइम रिलेशनशिप में थी आई थिंक दो साल पहले वो बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था बुरा ब्रेकअप नहीं हुआ था उसने किसी और से शादी कर ली थी और मैं 2 साल पहले तो मैं खुद 20 साल की थी मैं थोड़ी शादी करती तो क्या उन्होंने आपको प्रपोज किया था शादी करने के लिए हाँ बट मेरे को मेरी फैमिली का मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मैं थोड़ी शादी करके कहीं और जाऊँगी मेरे को अभी मेरे फैमिली का देखना है मैं सोचती हूँ कि मैं अपने फैमिली के लिए सब कुछ करूँगी और फिर मैं शादी करूँगी फिर मैं तब भी सोचती हूँ कि मैं घर जमाई ढूंढ ढूँढूँगी अपने लिए ताकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूँ तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया था लेकिन उसने फिर शादी की और मुझे बताया भी नहीं कि उसने शादी की बाद में मेरे पास उसकी शादी की फ़ोटोज़ आई तो फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा वो हुई थी कि यार सदमे में थी बहुत ज्यादा क्या ही बताओ मैंने कहीं रिग्रेट होता है कि यार मैंने इस लड़की को छोड़ दिया नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने इस लड़के को छोड़ दिया अच्छा है गए सारे अभी मैं अकेली हूँ खुश हूँ अभी आप पुणे में परिवार के साथ रहती हैं हाँ मैं फैमिली के साथ रहती हूँ और बम्बई शिफ्ट करना चाहती है आप मुंबई में शिफ्ट आ, ऐसा कोई प्लान नहीं है सबसे पहले पहले तो तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई एक्टिंग मेरे जो काम है, अभी मैं मैं वो सारे काम जब सारा कर गया तो वरना नहीं ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए ज्यादा सपने नहीं देखती आपने कभी, कास्टिंग फेस किया है? कभी भी नहीं क्योंकि जो भी मुझसे मिलता है है उसको मेरे लिए ऐसा बात है कि यार ये तो छोटी सी बच्ची है है ये इतनी क्यूट इसको मैं अपनी छोटी बहन बना और ऐसा क्यूटली फील करते हैं वैसे वे में कभी भी ना मैंने कभी ऐसा लाइक कास्टिंग का गलती नहीं होती कभी कभी लड़के खुद अपने दो बटन खोल के बैठ जाती है और ट्राई मारती है

हमारी पायल रोहादगी बहुत अच्छी बंदी है उसके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है उसके लिए इनफैक्ट जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ बहुत से लोग उनको भी ट्रोल करते हैं आम, आपकी दोस्ती उनके साथ अभी भी बहुत सॉलिड है पायल और मैं हमारी फ्रेंडशिप नहीं है अभी बट हम नहीं? दोनों जब क्योंकि लॉकअप में बहुत कुछ हुआ था उस, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा दूर हो गए एक दूसरे से बट

और उसके बाद जब भी मन लगे कर दो यस प्लीज डोंट डू मैसेज मैसेज यार इफ यू मिस इच अदर गो फॉर इट एज वेल यस ठीक है फिर हमारे प्रिंस नरूला प्रिंस नरूला ने एक बार फास्ट रखा था मैं हमेशा याद करती हूँ कि रमजान में उन्होंने पहली बार लॉकअप में रोजा रखा था उसके लिए मैं इतन, मतलब हमेशा मैं जब प्रिंस के बारे में सोचती हूँ ना मुझे रोजा वाला दिन याद आ जाता है बहुत स्वीट है वो बहुत अच्छा बंदा है

ऐसे आगे बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए मूवीज करिए जो भी आपका मन चाहता है आप करते रहिए और जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आप सदाकत हो या फिर शिवम हो डिसाइड किया किससे शादी करनी है हम लोग को बता देना

है सो ओपन फॉर अ रिलेशनशिप नाउ नहीं नो नहीं ऑफ़ कोर्स यू आर हम मेरा रिलेशन करवा के मारोगे मुझे पक्का पता है लेडीज आजमा मेरे साथ यंग डायनामिक लड़की बड़ा